ये मैं सियासत नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ क्योंकि मैं इन कई बार इन मामलों में खुद रहा हूँ। 1996 का जो एग्रीमेंट है उसमें आर्टिकल 6 पैरा 4 में क्लियर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में हम खुद जाते थे, बगैर हथियार के जाते थे, उनसे बातचीत करते थे। जो वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन अब हुई है, अभी तक टेंशन था और डिसएंगेजमेंट है। डिसएंगेजमेंट या आना जाना जो परसेप्शन है एलएसी का ऊपर, मैं खुद जाता था, मैं खुद उनको बोलता था वापस जाओ। मेरे साथ 99 में भी हुआ, उसके बाद बुमला में भी हुआ, उसके बाद चुशूल में है। तो ये बातें हम लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और ये एसओपी के द्वारा है। कईयों की अपनी अपनी राय होगी, उसमें मैं दखलअंदाजी नहीं देना चाहता। कुलकर्णी साहब, आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि निहत्थे हमारे सैनिक क्यों थे, उन्हें किसने भेजा, तो क्या आपको लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से ये सवाल सही है ऐसे वक्त पर? ऐसे है कि सबको कई बातें शायद मालूम नहीं हो सकती हैं। ये मैं ये कहना कि सबको सब कुछ मालूम है नहीं होता है। वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, मैं आज रिटायर्ड हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि ऑन ग्राउंड एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। बट लेकिन इस तरह की सिचुएशंस कई बार हुई है, लेकिन चीन ने आज तक इस तरह के विश्वासघात, बर्बरता, इस तरह का कार्रवाई आज तक नहीं की। मुझे भी शक होता है कि इतने अपने आप को जो पुरानी सभ्यता वाला देश कहता है, इस तरह की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। स्टोन एज, ये तो बिल्कुल ही स्टोन एज हो गया, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब इस चीन की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और चीन का जितना भी गुडविल चीन ने कमाया होगा हिंदुस्तान में या विश्व भर में, वो गुडविल भी गवा बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सब जगह लोग आज चीन के बरखिलाफ बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन ने विश्वासघात किया है। चीन खुद जानता है कि चीन ने विश्वासघात किया है। चीन ने जो भी ट्रांसग्रेशन हम कहते हैं वो परसेप्शन के ऊपर है। अब पेट्रोल पॉइंट 14 है, वो पोस्ट नहीं है, पेट्रोल पॉइंट 14 है जहां पे वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहे थे। उसके उसको हटाने के लिए ये सीओ साहब गए उधर उनको बताने के लिए, जबकि ये सीओ साहब सवेरे के मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने ही उनको बताया कि आपने कार्रवाई करनी है। अब चीन ये जो जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं, ये प्री मेडिटेटेड था ऑब्वियसली। अगर बेसबॉल में तारे लपेट करके ये इस तरह के जो नॉर्मल औजार उन्होंने बनाए हैं, ये घात लगाया है। और ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि चीन की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और अब मुझे नहीं लगता है कोई भी जवान अब जो कह रहे हैं जितने भी पैनलिस्ट हैं कि वॉर लाइक, अब हम नहीं जाएंगे हथियार के बिना, अब वॉर लाइक सिचुएशन है। पहले इससे पहले वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी, टेंशन जी, ये अलग है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।